मोबाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले तुम लोग क्या करते हो, ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट खेलते हो, जिससे तुम लोग अपने सपने का घर बना सकते हो और फार्मिंग भी कर सकते हो। बट क्या होगा अगर आपको 30 दिनों तक माइनक्राफ्ट खेलने पर बैन लगा दिया जाए, तो तुम्हारा हाल कुछ ऐसा होगा। मुझे अपने घर जाना है। तो आज मैं इन 30 दिनों तक माइनक्राफ्ट ना खेलकर भी माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ। अब आपका क्वेश्चन हुआ कि हाउ, तो आज मैं इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाला हूँ 3 ऐसे गेम खेलकर जो बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह होने वाले हैं, जिसमें लिटरली क्राफ्टिंग, माइनिंग एंड फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो क्या मैं माइनक्राफ्ट के बिना 30 दिनों तक सर्वाइव कर पाऊंगा? तो माइनक्राफ्ट का गेम प्ले बनाने में मुझे लिटरली 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता है, और क्योंकि मैंने इस वीडियो में माइनक्राफ्ट जैसे 3 गेम खेले हैं, मतलब मुझे इसमें टोटल 6 घंटे से भी ज्यादा का मेहनत लगी है रिकॉर्ड करने में। एंड अगर हम एडिटिंग की बात करें तो मुझे लिटरली 1 दिन से भी ज्यादा का टाइम लगा है। एंड इस वीडियो को मैंने पूरा एडिट किया है मोबाइल से, और इस वीडियो को पूरा बनाने के लिए मुझे 25 घंटे से भी ज्यादा का मेहनत लगा है। और तुम्हें इस वीडियो को लाइक करने में लिटरली 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला, या एक लाइक कर दो। वेल, इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे गोल है, जैसे कि मुझे एक छोटा सा बनाना है, या मुझे फार्मिंग भी करना है, एंड ये सब गोल मुझे सब 3 गेम में कंप्लीट करना होगा। तो यह इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं स्काईटेक गेमिंग और आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट गेम में। तो हमारा गेम लोड हो चुका है एंड हमारा गेम का नाम ब्लॉक्स एंड अर्थ है। लाइक कितना ज्यादा वियर्ड नेम है। ओके, तो हम अपने गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। ओ वेट, मैं सेटिंग करना तो भूल ही गया। नहीं, मैं उस सेटिंग की बात नहीं कर रहा, बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, तो मुझे जो सेटिंग करना था वो मैं कर चुका हूं। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम अपना वर्ल्ड क्रिएट करें, और मैं अपने वर्ल्ड का काफी ज्यादा अच्छा नाम रखने वाला हूँ। लाइक काफी ज्यादा अच्छा नाम रखने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। लाइक इस गेम का तो ये फर्स्ट वर्ल्ड है। ओके, तो हमारा वर्ल्ड लोड हो रहा है। तो गाइस, आपका स्वागत है काफी ज्यादा सुंदर सी दुनिया में। वेट, ये कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब नहीं है? इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूमने लगता हूँ। इस पॉइंट तक मैं लिटरली पूरा भूल चुका था कि मुझे इस गेम के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी बतानी है। तो यार, मैं इस गेम के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। लाइक इस गेम की रेटिंग और इस गेम के डाउनलोड्स कितने हैं। तो इस गेम की रेटिंग की बात करें तो 3.9 स्टार की रेटिंग है, जो काफी ज्यादा डिसेंट है। एंड इसकी अगर टोटल डाउनलोड की बात करें तो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जो काफी ज्यादा अच्छा नंबर होता है। लाइक एक काफी बड़े यूट्यूबर से भी काफी ज्यादा होता है, मतलब ये 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल से भी ज्यादा है। तो यह काफी ज्यादा अच्छा है। तो बहुत ज्यादा फैक्ट बता लिया, अब मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा वुड कट कर लेता हूं, जिससे मैं नेसेसरी टूल बना पाऊंगा। इनका इसको देखो, मुझे क्या दिखा, ये काफी ज्यादा रेयर होता है, मतलब एक वुड यहाँ पर नीचे गिरा होता है। एनीवेज, मैं इससे ही वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि भाई कितना रेयर होता है, भाई मुझे बस वुड से मतलब है। इसके बाद मैं थोड़े से प्लैंक क्राफ्ट करता हूँ एंड उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड थोड़े से स्टिक बनाता हूँ, देन सारे के सारे नेसेसरी टूल बना लेता हूँ। तभी मुझे एक बिना आंखों वाली कोमड़ी दिखती है, जिसको देखकर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे घूम रहा था, तभी मुझे एक शांत सी प्यारी सी गाय मिलती है, जो काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे मैं बाद में मार देता हूँ। और इस पॉइंट पे मैं काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। फिर जब मैं घूम रहा था तब मुझे एक बिना आंखों वाली पिग मिलता है, और इसमें मैं इससे डरता नहीं हूँ और इसे मार देता हूँ। लाइक मैं कितना ज्यादा पाप करता हूँ। इसके बाद मुझे एक बड़ा सा तालाब दिखा, शायद ये तालाब नहीं एक रिवर है। लाइक मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ। एनीवेज, मैं इसे एक स्विमिंग पूल समझ के डूबने लगता हूँ। इसके बाद मुझे पता भी नहीं चलता कैसे मैं मिट्टी पानी में आ जाता हूँ और मैं पूरा गंदा हो जाता हूँ। और मुझे क्योंकि अपने आप को साफ करना था, तो मुझे एक आइडिया आता है, क्योंकि एक नॉर्मल टॉवल वूल से बनता है एंड वूल हमें सीप से मिलती है। तो अगर मैं एक सीप को मार देता हूँ तो मुझे मिलेंगे उससे वूल्स, जिससे मैं एक टॉवल बना के अपने आप को पोस सकता हूँ। सिर्फ इसलिए मैं कई सारे सीप्स को मारने लगता हूँ। जब मैं ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहा था, तभी मैं एक अजीब गरीब टाइप का स्टोन देखता हूँ, जो मुझे काफी अजीब लग रहा था। तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ। ओके, तो मैं एक ब्लॉक तोड़ देता हूँ। ओ वेट, ये तो एक नॉर्मल कोबलस्टोन है। लाइक इसका टेक्सचर पैक कुछ ज्यादा ही अजीब गरीब है। इसके बाद मैं थोड़ा सा कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक गोल कंप्लीट करने के लिए बोला था। उस गोल में मुझे एक घर बनाना है, तो इसलिए मैं घर बनाने के लिए सामान इकट्ठे करने लगता हूँ, जिसमें मैं पहले कोबलस्टोन इकट्ठा करता हूँ। आई थिंक ये एरिया घर बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं अपने घर बनाने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे
कोबलस्टोन फिर से खत्म हो जाते हैं, तभी मुझे याद आता है कि मेरे पास काफी सारे वुड प्लैंक्स थे, तो मैं उनको एंट्रेंस में लगा देता हूँ। ये काफी अच्छा लग रहा था, ये एंट्रेंस में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई वीआईपी आ रहा है। इसके बाद मैं थोड़े से कोबलस्टोन फिर से कलेक्ट करता हूँ एंड अपने घर का काम को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं थोड़े से कोबलस्टोन फिर से कलेक्ट करता हूँ एंड अपने घर का काम को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। घर बनाते बनाते कब मुझे पता भी नहीं चलता कि रात हो चुकी है एंड मुझ पर काफी सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और मैं इनको खत्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं और थोड़े से ब्लॉक इकट्ठे करता हूँ जिससे मैं अपने घर को फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड इसके बाद मैं अपना एक बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड इसे मैं प्लेस करता हूँ कुछ इस तरह। इस तरह मैंने स्पेंड किया अपना फर्स्ट नाइट। नहीं, मैं उस नाइट की बात नहीं कर रहा। बड़ा हरामी हो बेटा। सुबह उठकर मैं अपने इंटीरियर पे काम करने लग जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर डोर लगा देता हूँ जिससे मेरे घर की एंट्रेंस बन जाएगी। जब मैं डर्ट माइन कर रहा था तभी मुझे एक स्केलेटन दिखता है और इससे मुझे काफी अच्छा आइडिया आता है क्योंकि मेरा हंगर बार बिल्कुल कम हो चुका है और कभी भी मैं मर सकता हूँ। स्केलेटन को देख के मुझे एक 69 आईक्यू वाला आइडिया आता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और मर जाता हूँ और फिर मेरा हंगर बार भी अपने आप रीलोड हो जाता है। अभी मुझे याद आता है कि मुझे फार्मिंग भी तो करना था क्योंकि वो भी मेरा एक गोल था। इससे मैं नीचे जाता हूँ और थोड़े से सीड्स इकट्ठे करने लगता हूँ और जब मैं सीड इकट्ठा कर रहा था तभी मुझे एक लावा फॉल दिखता है जिसके साथ, और इसको देखकर मैं काफी ज्यादा इंप्रेस होता हूँ क्योंकि इसका ग्राफिक काफी नेक्स्ट लेवल था, लिटरली काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा आग सेका जाए और तभी मुझे याद आता है कि ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है, लाइक ये ठंडी का मौसम नहीं चल रहा। इसके बाद मैं एक और 69 आईक्यू वाला काम करता हूँ क्योंकि फार्मिंग के लिए मुझे बकेट चाहिए और जो आयरन से बनता है जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसे मैं रिवर के पास जाता हूँ, यहाँ से हो को जमीन को इरीगेट करता हूँ एंड यहाँ पर सीड्स डालता हूँ और फार्मिंग कर लेता हूँ। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट गोल भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं सबवेल के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल करने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैं एक पार्ट टाइप का बना देता हूँ अपने घर से लेकर नीचे तक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि फिर से रात हो चुकी है तो मैं यार सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये अब हमारा एक सुंदर सा घर बन चुका है। वैसे ये घर इतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं है बट ठीक ठाक है एंड इसी के साथ हम लोगों ने फार्मिंग भी कर लिया एंड अपना घर भी बना लिया तो हमारे सारे गोल्स होते हैं कंप्लीट। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लिटरली माइनक्राफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा था और इस गेम को एंड करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, लाइक मैं रोने लगता हूँ क्योंकि इस गेम में मैंने लिटरली काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यार इसी बात पे एक लाइक कर दो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो हे गाइस, आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट में। लाइक इस गेम के डेवलपर ने सोचा क्यों इतना ज्यादा मेहनत किया जाए, बस इसने एन के जगह के लिख दिया माइन। इसके बाद मैं डायरेक्टली अपना वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ और तभी अचानक से मेरे सामने एक एड डिस्प्ले आ जाता है जिससे मुझे पता चलता है कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आप इसमें एड आएगा, जो काफी ज्यादा वेट था और काफी ज्यादा बेकार भी था। एनीवेज हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है एंड यहाँ पर चारों तरफ ग्रास और फूल दिख रहे हैं। पर्सनली मुझे ये गेम काफी अच्छा लगा, लाइक इसका ग्राफिक काफी अच्छा है, अगर इसमें एड वाला फीचर नहीं होता तो ये काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल गेम होता। एनीवेज मैं तुम्हें इस गेम के बारे में कुछ बताता हूँ। प्ले स्टोर में इसका टोटल अराउंड 5 मिलियन है, लाइक मतलब 50 लाख है और ये यस मॉडिफाई से भी कम है, मतलब ये गेम कितना ज्यादा अनपॉपुलर है। एनीवेज मैं थोड़ा सा वुड इकट्ठा कर लेता हूँ जिससे मैं अपने नेसेसरी टूल बना पाऊँ। इस
गेम में भी मेरे साथ एक काफी ज्यादा वियर्ड चीज होता है। मुझे यहाँ पर एक बिना आंखें वाला पिग दिखता है और मुझे लगता है कि ये पुराने गेम का पिग है जो अपना बदला लेने के लिए आया है, मतलब उसकी आत्मा बदला लेने आया है, इसलिए मैं यहाँ से डर के मारे भाग जाता हूँ। थोड़ी सी ग्रास तोड़ लो, सीड्स मिल जाएंगे। इसका तो क्योंकि मुझे भूख लग रहा था, मैं काफी सारे चिकन्स को मार देता हूँ। और फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं अपने सारे नेसेसरी टूल बनाऊं उस गेम में। नेसेसरी और मैं अपने सारे टूल्स एक अजीबोगरीब प्राणी को शो ऑफ करता हूँ। और ये अजीबोगरीब प्राणी इस गेम का सीप है, लाइक इसका टेक्सचर कितना ज्यादा बकवास है। ये क्या है? इसके बाद मैं इस गेम को एक्सप्लोर करने लगता हूँ, तभी मुझे एक काफी ज्यादा बड़ा सा वाटर सोर्स दिखता है। लाइक ये काफी छोटा सा तो था नहीं, कह सकते हो ये बड़ा सा भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, जिसके आसपास काफी बड़ा मैदान था। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर फार्मिंग कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, तो ये क्योंकि मेरे पास सीड्स है तो मैं यहाँ पर फार्मिंग करने लग जाता हूँ। तभी मुझे थोड़े से सीड्स की कमी हो जाती है और मैं थोड़े से और सीड्स को तोड़ने लग जाता हूँ। इसके बाद मैं इस सबको प्लांट कर देता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं वुड्स इकट्ठे करने के लिए चला जाता हूँ और थोड़े से वुड तोड़ता हूँ। इसके बाद मुझे काफी अच्छा सा आइडिया आता है, क्योंकि ये पानी काफी ज्यादा सुंदर है और ये वाटर सोर्स भी काफी ज्यादा सुंदर है, तो इसके साइड में एक पेड़ था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर एक सीक्रेट हाउस बनाया जाए, तो इसके पर काम स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मेरा घर अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, बट ये ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा एक डोर क्राफ्ट कर लेता हूँ, तो मैं एक डोर क्राफ्ट करता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। घर काफी छोटा था कि इसलिए मैं एक्सटेंड करने लगता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर एक कोल दिखाई देता है और जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक स्टिक और कोल को मर्ज कर एक टॉर्च बनाता हूँ और इन टॉर्च को हर जगह प्लेस कर देता हूँ। इस वजह मुझे कई बार एड्स आते हैं जिससे मुझे कई बार गुस्सा आता है, एंड सही बता रहा हूँ मुझे इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ, एंड इरिटेट इतना ज़्यादा हो जाता हूँ कि इस गेम को बंद करने की सोचता हूँ। बट नहीं, मुझे फिर आपकी याद आती है और मैं इस गेम को खेलने लग जाता हूँ। तभी मुझे दिखता है कि हमारे घर के बाहर एक जॉम्बी मेहमान खड़ा है। उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए मैं वहाँ डोर में एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ एंड डोर को ओपन कर देता हूँ और उस जॉम्बी को मार देता हूँ 69 IQ। और मैं ये ट्रिक काफ़ी सारे जॉम्बी पर ट्राई करता हूँ, सब जॉम्बी को मारने लगता हूँ, बट इस बार मैंने एक गलती कर दी। मैंने इस ब्लॉक को ही तोड़ दिया जिससे जॉम्बी अंदर आया और मुझे ही मार दिया। इसके बाद मैं रिस्पॉन होकर बोन से बोन मिल बनाता हूँ एंड सीड को मारने लगता हूँ, जिससे सीड अब व्हीट बन जाएगा और इस व्हीट से मैं काफ़ी सारे खाना बना सकता हूँ लाइक ब्रेड्स। तभी इस गेम में फिर से एक ऐड आता है जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, और ये एक फोर्ड ट्रक का है और मैं फोर्ड ट्रक का कोई ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेस्ला साइबर ट्रक का फैन हूँ। अगर आप भी टेस्ला साइबर ट्रक का फैन हो तो भाई लाइक कर देना एक, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इलॉन मस्क के कितने बड़े फैन हो। तो वक्त आ चुका है इस गेम को भी अलविदा करने का। तो बाय गेम। हाँ, ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट इसका एड वाला प्रॉब्लम मुझे काफ़ी इरिटेट करता है। तो गाइस बाय गेम, मैं तुम्हें कभी भी याद नहीं करूँगा। ओके, तो मैंने अपना थर्ड गेम ओपन कर लिया है। वेट, क्या मैंने माइनक्राफ्ट ओपन कर दिया? खराब हो चुका है। लिटरली मैंने इस वीडियो में कमिटमेंट लिया था कि मैं 30 दिनों तक माइनक्राफ्ट नहीं खेलने वाला, और सिर्फ पहले दिन ही मैं हार जाता हूँ। लाइक तीसरे गेम खेलते ही मेरी हालत खराब हो जाती है एंड मैं लिटरली अपना पूरा वीडियो को स्पॉइल कर देता हूँ। वेट, ये क्राफ्ट्समैन 4 है, मतलब मैंने अभी तक माइनक्राफ्ट नहीं खेला। ओके, तो मेरा कमिटमेंट काफी अच्छी तरह अभी भी चल रहा है, तो मैं एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस, आपका स्वागत है हेवन में। वेट, ये सही में हेवन है, क्योंकि देख लो भाई, बिल्कुल शेडो जैसे लग रहा है। लिटरली मुझे ये BSL शेडो से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं बहुत सारे वुड्स इकट्ठा करता हूँ जिससे मैं अपने लिए काफी सारे टूल्स बना पाऊँ। जरा ये देखो, मैंने पूरा पेड़ नंगा कर दिया, बस सिर्फ घास बाकी है, मतलब मैंने अंदर वाली चीजें हटा दी है और सिर्फ बाहर के कपड़े बाकी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं नंगा बोलता हूँ और अभी भी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। अभी मुझे एक सीख दिखती है और उसे भी मैं मार देता हूँ। थोड़ा सा वुड इकट्ठा कर लो, आगे काम आएगा, क्योंकि मैं अभी एक आइलैंड पे स्पॉन हुआ था, तो मुझे इस आइलैंड पे अपना घर बनाना पड़ेगा। तो मैं माउंटेन का सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ सोचता हूँ कि क्यों ना यहाँ पर घर बनाया जाए और इस एरिया को मैं प्लेन करने लग जाता हूँ। तभी मुझे थोड़े से कोबलस्टोन दिखते हैं और ये कोबलस्टोन काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और इन कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास काफी सारे स्टोन हो चुके हैं और इस गेम का टेक्सचर पैक लिटरली माइनक्राफ्ट से भी अच्छा है और माइनक्राफ्ट से बेटर भी है। इसके बाद मैं इस एरिया को फिर से प्लेन करने लगता हूँ।
फिर ये देखो 600 IQ वाला MLG। पता नहीं मैं नीचे क्यों आया। अब मैं नीचे आ ही गया हूँ तो थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं ऊपर आके अपने घर को कंप्लीट करने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं फार्मिंग करता हूं। सैपलिंग को प्लांट कर देता हूं। सो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने यहां तक इस वीडियो को देखा है, मतलब तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरे एक रात को जागने का मेहनत सफल हो जाएगा। सो यार एक लाइक ठोक दो। एंड अगर इस वीडियो में 100 लाइक का एम कम्प्लीट हो जाता है तो इस वीडियो के बाद मैं और भी कई सारे गेम खेलने वाला हूं, जैसे कि हॉरर गेम्स। तो यार इस लाइक गोल को जल्दी से कम्प्लीट कर दो। अगर तुम्हें ये कॉन्टेंट पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां जाके आप फॉलो कर सकते हो मुझे। तो आज बस इतना ही। फिल्म में से तब तक के लिए गुड बाय।